हे गाइस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। आज 13 सितंबर है और आज मैं वैक्सीन लगवाने जा रहा हूँ, अपनी फर्स्ट डोज। तो अभी मैं खाना खा रहा हूँ और उसके बाद निकलूँगा। तो खाना खा लिया और मैं और पिंकू दोनों निकल रहे हैं वैक्सीन लगवाने के लिए। पिंकू की सेकेंड डोज लगेगी और मेरी फर्स्ट डोज। तो अभी निकलते हैं, बाकी की बातें आपसे बाद में करूँगा। तो मेरे और पिंकू के वैक्सीन लग चुकी है। उस टाइम पे जब वैक्सीन लगवा रहा था उस टाइम पे मैं शूट नहीं कर पाया। उस टाइम पे सिर्फ फोटो ही क्लिक करी। पिंकू के सेकंड डोज लगवाई है क्योंकि पिंकू के पहले फर्स्ट डोज लग चुकी थी। पहले वीडियो बना रखी है, वो आप देख लेना। और मेरे फर्स्ट डोज लगी है क्योंकि मेरे पहले कोरोना हो चुका था, तो उस टाइम पे फिर मेरे वैक्सीन लग नहीं सकती थी। तो अब फाइनली वैक्सीन लगवा ली है। तो बस अब हम लोग घर के लिए निकल रहे हैं और अभी तो ज़्यादा कुछ फील नहीं हो रहा, बस हाथ में ऐसा लग रहा है कि हाँ कुछ लगा है। जब वैक्सीन लगी थी उस टाइम पे तो पता ही नहीं चला, लग भी गई। मतलब सुई लगती है तो हल्का सा तो पता चलता है, लेकिन आज तो बिल्कुल भी नहीं पता चला कि वैक्सीन लगी भी है। शायद ये बाइसेप्स की तरफ लगी है, शायद इसलिए कुछ बाइसेप्स में पता नहीं चला, पता नहीं क्यों, पर मतलब बिल्कुल भी पता नहीं चला। सुई लगती है तो थोड़ा बहुत तो पता चलता ही है, पर बिल्कुल भी पता नहीं चला वैक्सीन लगी है। तो अभी तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा, बाकी देखते हैं फीवर होता है नहीं होता। तो अभी हम लोग जा रहे हैं घर, तो मैं आपसे घर पहुंच के बात करता हूँ। गाइज, अभी हम लोग रुके हैं कोल्ड कॉफ़ी लेने के लिए। हाँ, वैक्सीन लगवाने के आधे घंटे बाद तक, आधे पौन घंटे तक कुछ खाना पीना नहीं चाहिए, लेकिन अभी करीब 1.25 घंटा हो चुका है। हम लोगों को रास्ते में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि जब हम आ रहे थे रास्ते में तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना, हर जगह डाइवर्जन लगा रखे थे पुलिस वालों ने, रोक रखा था, दूसरे रास्तों से भेज रहे थे। पता नहीं क्यों इतनी भीड़ हो रखी थी। शायद आज कोई रैली वगैरह निकल रही है तो पुलिस वालों ने रास्ते बंद कर रखे थे, जिस वजह से अलग अलग रास्तों से घूम के आना पड़ा। और इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी ना कि जहाँ 15 मिनट में घर आ जाना चाहिए था हमको, वहाँ पर हमको 1.25 घंटा हो गया, अभी तक हम लोग घर नहीं पहुँचे हैं। तो पहले मैंने सोचा था कोल्ड कॉफ़ी लेके चलूं, पर फिर सोचा कि यार अभी वैक्सीन लगवाई है तो अभी तो पी नहीं सकते, तो इसलिए फिर मैंने सोचा सीधे घर ही चलते हैं। लेकिन जब इतनी देर हो गई रास्ते में ही, तो फिर मैंने सोचा अब तो इतना टाइम हो ही चुका, वैक्सीन आधे पौन घंटे से भी ज़्यादा हो चुकी लगवाए हुए, तो हमने सोचा फिर कोल्ड कॉफ़ी पी के ही चलते हैं। लेकिन फिर यहाँ पे आके सोचा कि फिर मम्मी घर पे अकेली है तो फिर मम्मी के लिए भी ले चलते हैं, तो फिर हमने सोचा कि यहाँ पीने की जगह पैक ही करवा लेते हैं। तो अभी हम लोग कोल्ड कॉफ़ी पैक करवा रहे हैं और उसके बाद जाएंगे घर। शायद मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही होगी क्योंकि यहाँ पे काफ़ी गाड़ियाँ चल रही है, लेकिन मैं एक बार बता दूं कि मुझे अभी तक तो कुछ भी नहीं हो रहा। हाँ, हाथ में थोड़ा ऐसा लग रहा है कि कुछ हुआ तो है, पर ऐसा कुछ दर्द भी नहीं हो रहा ना कुछ अभी फील हो रहा, अभी तो नहीं हो रहा। बाकी क्या पता घर जाने के बाद रात तक शायद हो सकता है फीवर हो, बाकी देखते हैं क्या होता है। तो मैंने कोल्ड कॉफ़ी ले ली है, यहाँ पे अंडरपास के बगल में इनकी शॉप है, इनका रेस्टोरेंट भी है, पीछे कैफ़े है, अभी वहाँ पे रेनोवेट हो रहा है। तो कॉफ़ी यहाँ पे बहुत अच्छी मिलती है, आप लोग यहाँ आके पी सकते हो। और इनके यहाँ पे चाय भी मिलती है कई तरह की, भैया बताएंगे कि कितनी तरह की चाय मिलती है। मेरे पास 40 तरह की चाय है जो जयपुर में शायद अभी अवेलेबल नहीं है, इतने तरह की 40 तरह की चाय जो यूनिक आप टेस्ट कर सकते हो, आपको मज़ा आएगा। और भैया ने बोला है कि एक ई टेबल कप भी लेके आने वाले भैया, तो उसमें चाय पियो और फिर कप भी खा जाओ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आके आप कॉफ़ी भी पी सकते हो, चाय भी पी सकते हो, बहुत तरह की चाय मिलती है। तो यहाँ पे विज़िट ज़रूर करना। हमने कॉफ़ी ले ली है और कॉफ़ी लेके हम जा रहे हैं घर। तो हम लोग कॉफ़ी लेके घर पर आ चुके हैं, आप लोग वहाँ पर विज़िट ज़रूर करना क्योंकि बहुत अच्छी कॉफ़ी देते हैं वो। और लक्ष्मी मंदिर के पास जो JP अंडरपास है उसके जस्ट बगल में ही उनका कैफ़े और उनकी डेयरी की शॉप भी है, काफ़ी तरह की चीज़ें देते हैं। चाय तो काफ़ी तरह की देते हैं, आपने खुद ने उनके मुंह से सुना 40 तरह की चाय देते हैं, तो आप लोग विज़िट ज़रूर करना वहाँ पे, बहुत ही अच्छी कॉफ़ी देते हैं वो। मैंने खुद ने बहुत बार पी है इसलिए मुझे पता है, तो आप लोग भी पी के देखना, आपको भी ज़रूर पसंद आएगी और अपने दोस्तों को भी बताना, बहुत अच्छी कॉफ़ी देते हैं वो। और हम लोग घर पर आ चुके हैं, वैक्सीनेशन पूरी हो चुकी है, मेरी तो फर्स्ट डोज हुई है, पिंकू की दोनों डोज लग चुकी है। तो अभी तक तो कुछ ऐसा फील नहीं हो रहा,
देखते हैं शाम तक या रात तक फीवर होता है या नहीं होता। अभी जब हम बाहर थे तो इतनी भयंकर गर्मी हो रही थी, पिछले 2-3 दिन से तो ठंडक हो रही थी, बारिश हो रही थी और बादल भी थे पिछले 2-3 दिन से तो, लेकिन आज इतनी तेज़ गर्मी हो गई, धूप इतनी तेज़ हो रही थी, हम लोग बाहर थे तब और ऊपर से जाम और सब जगह रास्ते बंद कर रखे थे तो इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। लेकिन जैसे ही कॉफ़ी लेके हम लोग चले ना, इतनी तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई, लेकिन हमारा घर पास में था तो हम लोग भीगे तो नहीं, हम लोग घर आ गए। थोड़ी बहुत बूंदें पड़ी आपको दिख रही होंगी मेरी टी शर्ट पर, तो हम लोग भीगे तो नहीं क्योंकि घर उसके पास में ही है मेरा, ज़्यादा दूर है नहीं अंडरपास से। तो मैं यही चीज़ सोचता था कि यार अगर बारिश आनी ही थी तो सुबह नहीं आ सकती थी, या फिर पूरे टाइम धूप रहनी ज़रूरी थी, मतलब इतनी गर्मी में हम लोग इतने जाम में फंसे रहे पूरे टाइम और जैसे हम लोग घर पहुँचे बारिश स्टार्ट हो गई। खैर अब इस पर तो किसी का बस है नहीं, अब हम लोग घर पर आ चुके हैं। तो मैं आप लोगों से भी यही कहूँगा कि जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है वो भी अपनी फ़र्स्ट डोज लगवा लो, फर्स्ट डोज लगवा ली तो अपनी सेकंड डोज भी अपने टाइम आने पे लगवा लेना, और कोरोना से जितना दूर रहोगे उतना ही अच्छा है। अभी सब लोग कह रहे हैं थर्ड वेव आएगी, अभी तक तो आई नहीं, और मैं यही चाहूँगा कि अभी ना आए थर्ड वेव, अभी क्या कभी भी नहीं आए थर्ड वेव, क्योंकि तब थर्ड वेव आएगी तो हमने सेकेंड वेव में देखा कितनी बुरी हालत हुई थी सबकी। तो सब लोग कह तो रहे थर्ड वेव आएगी, तो प्लीज़ अपने आप को सेफ रखें और घर पर रहें, अब अगर ज़रूरी हो तो ही बाहर जाएँ वरना जाने की ज़रूरत नहीं है। और सब लोग अपने वैक्सीनेशन कंप्लीट करवा लें जिससे कोरोना का डर जो है वो कम से कम हो जाए, बिल्कुल कम हो जाए। अगर किसी का कोरोना होता भी है तो कम से कम जान तो बच सके, क्योंकि वैक्सीनेशन होने के बाद लोगों की जो डेथ रेट है वो काफ़ी कम हो चुकी है। तो प्लीज़ मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि अपने वैक्सीनेशन कम्प्लीट करवा लें और कोरोना से जितना बच सकते हैं उतना बचें, घर पर रहें और सेफ़ रहें। बाकी देखते हैं शाम तक फीवर आता है या नहीं आता, होप करता हूँ कि फीवर ना आए, और फीवर नहीं आएगा उतना ही अच्छा है। तो आप लोग अपना ध्यान रखें, अच्छे से खाएं पिएं और बस अपनी लाइफ एंजॉय करें। तो अभी पापा घर पे आ चुके हैं और पापा की भी इच्छा हो रही है कोल्ड कॉफ़ी पीने की, तो मैं पापा के लिए लेने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं पेटीज़ की दुकान पे जा रहा हूँ क्योंकि बहुत तेज़ भूख लग रही है यार। हाँ तो पेटीज़ ले ली हमने, टिंकू को बहुत तेज़ भूख लग रही थी और मुझे भी बहुत तेज़ भूख लगी थी, तो हमने सोचा कि पेटीज़ ले आते हैं। और आज इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है ना, आप देखो पीछे भी सब जगह जाम लग रहा है, बहुत ज़्यादा जाम लग रहा है। मैं भी अभी करीब 15 मिनट तक जाम में फंसा रहा, उसके बाद जाके पेटीज लेने गया हूँ, और अभी कोल्ड कॉफ़ी लेने आए हैं, तो बन रही है कोल्ड कॉफ़ी और कोल्ड कॉफ़ी लेके निकलेंगे घर। तो कॉफ़ी ले लिया, पेटीज भी ले लिया और घर आ चुका हूँ मैं। मैं अभी तक तो बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ, मुझे अभी तक ना फीवर हुआ है ना और कुछ, ना कहीं हाथ पैरों में दर्द हो रहा है ना कुछ, हाथ में भी जहाँ पे सुई लगी थी वहाँ भी दर्द नहीं हो रहा अभी तो। हाँ हल्का फुल्का फील हो रहा है कि हाँ सुई लगी थी वहाँ पे, पर ऐसे दर्द नहीं हो रहा और फीवर भी अभी तक तो नहीं हुआ, और मैं यही होप करता हूँ कि मुझे फीवर ना हो, वही अच्छा रहेगा, क्योंकि फीवर होएगा फिर एक दो दिन दवाई खानी पड़ेगी बेमतलब में। वैसे मुझे पता है फीवर होता है तो उसका मतलब यही होता है कि अच्छा रिएक्शन दिया है वैक्सीन ने, पर फीवर नहीं होता तो इसका मतलब भी ये नहीं है कि उसका रिएक्शन अच्छा नहीं हुआ, वो तो हर अलग अलग बॉडी पर अलग अलग इफ़ेक्ट होता है। तो अभी तक तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बाकी देखते हैं अगर रात तक मुझे फीवर होता है या नहीं होता, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो खाना खा लिया है मैंने और मुझे थोड़ा सा फीवर हो रहा है, हाथ में थोड़ा दर्द है मेरे, मतलब 100 से कम है फीवर लेकिन 99 से ऊपर है, और पिंकू के ज़्यादा नहीं हो रहा, पिंकू के 99 समथिंग है, 99 से थोड़ा कम ही है। हमारे घर में सबने वैक्सीन लगवा ली है, पिंकू के मम्मी पापा के तीनों के दो दो डोज लग चुकी है, मेरी ये फर्स्ट डोज थी। तो मैं आप लोगों को भी यही कहूँगा कि आप लोग भी वैक्सीन लगवा लो जितना ज़्यादा जल्दी हो सके, जितना सब लोग वैक्सीन लगवा लेंगे उतना ही सब लोग सेफ़ रहेंगे। तो मैं बस यही कहूँगा कि आप लोग सब अपने घर में सेफ़ रहो और वैक्सीन सब लोग लगवा लो और हैप्पी रहो, खुश रहो। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर देना और प्लीज़ शेयर कर देना, थोड़े सब्सक्राइब तो कर दो यार, थोड़ा और लोगों से करवा दो और जितना ज़्यादा हो सके प्लीज़ शेयर कर दो, और वीडियो को प्लीज़ पूरा देखा करो, पसंद नहीं आया तो कमेंट करके बता दिया करो कि क्या पसंद नहीं आ रहा, क्या इम्प्रूव करना चाहिए, लेकिन प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना और बताना जरूर, वीडियो को एंड तक जरूर देखना और शेयर कर देना। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।